गुड इवनिंग मनीष, वेलकम टू टैक्स 10। वी विल सी हियर 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे बैक टू बैक। सो लेट्स बी स्टार्ट। रूटीन बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज आर नॉट टैक्सेबल एज द फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये दिल्ली ITAT ने डिसीजन दिया है कि जो रूटीन बेसिस पे टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको टेक्निकल सर्विसेज नहीं माने जाएंगे और उस पर कोई भी TDS नहीं आएगा। DGFT न्यू ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज PSIA एंड इश्यूएंस ऑफ ई वेरिफिकेशन ऑफ PSIA विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2022। DGFT ने ये ट्रेड नोटिस इशू किया है, ट्रेड नोटिस 3/22/23 ऑन 26 अप्रैल, जिसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया है उन्होंने फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ PSIA प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज के लिए। पोर्टल ओपन हुआ है ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन एंड ई वेरिफिकेशन ऑफ द PSIC, और ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम 1 मई 2022। केरला GST डिपार्टमेंट इशूड SOP फॉर फाइलिंग केरला फ्लड सेस एनुअल रिटर्न। केरला GST डिपार्टमेंट ने SOP इशू किया है फॉर फाइलिंग केरला फ्लड सेस एनुअल रिटर्न। CBIC इशूड रिवाइज गाइडलाइंस फॉर NRMC, LRMC फॉर द कस्टम एंड GST। CBIC ने रिवाइज गाइडलाइंस इशू किए हैं फॉर नेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड लोकल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये गाइडलाइंस वाइड इंस्ट्रक्शन नंबर 3/22/23 इशू किए गए हैं। महाराष्ट्र GST डिपार्टमेंट रेडेड एंड डिटेक्टेड कैश सिल्वर बार्स वर्थ ऑफ 10 करोड़ प्लस बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1,764 करोड़ फ्रॉम एन ऑफिस मेजरिंग 35 स्क्वायर फीट स्मॉलर देन ए होम टॉयलेट। महाराष्ट्र GST डिपार्टमेंट ने स्मॉल प्रीमाइसिस पे रेड किया है, जिसमें उनको 10 करोड़ के सिल्वर बास एंड कैश मिले हैं, और जिसमें टर्नओवर 1,764 करोड़ है, और जो प्रीमाइसिस है वो 35 स्क्वायर फीट के ही प्रीमाइसिस है। डिपार्टमेंट ने रेड किया था ये साउथ मुंबई वेस्ट जावेरी बाजार में और अदर लोकेशंस पे, जो कि एक कंपनी है चामुंडा बुलियन, उनके ये प्रीमाइसिस है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वाज फाइंड 77,37,499 आफ्टर कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट नोटिस डिस्क्रिपेंसीज इन GST रिटर्न फाइल बाय ट्रेडर एंड गवर्नमेंट। GST डिपार्टमेंट ने 77 लाख का पेनल्टी लगाया है ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, तो इसमें जो उनको डिस्क्रिपेंसी मिले है, जो ट्रेडर ने GST R3B रिटर्न फाइल किए और जो गवर्नमेंट ने GST R, उसमें मिसमैचेस आए हैं, इसके लिए डिपार्टमेंट ने 77 लाख का पेनाल्टी लगाया है ट्रेडर्स के ऊपर। GST ITC रिफंड कैन नॉट बी डिनाइड इवन इफ टैक्स पेयर्स हैज क्लेम्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो एक्सपोर्ट पे GST ITC का रिफंड होता है, वो रिफंड मिलेगा इवन इफ जो टैक्स पेयर है उन्होंने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया है। राजस्थान गवर्नमेंट इशूड गाइडलाइंस फॉर पर्सनल हियरिंग इन वर्चुअल मोड अंडर GST एंड VAT। राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू किए हैं फॉर वर्चुअल हियरिंग इन GST एंड VAT। GST VAT के केसेस में जो पर्सनल हियरिंग होएगी वो वर्चुअल मोड में कैसे होएगी, उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू किए हैं। इंश्योरेंस गेंट LIC हैज फिक्स्ड द प्राइस बैंड ऑफ 902 to 949 per year for the 21,000 crore public offer that is likely to be open on May 4. जो LIC के जो IPO आने वाले हैं वो expected है कि 4 मई को open होंगे, और LIC ने ये price band fix कर दिया है 902 to 949 का। Nokia phone maker to ramp up mobile export from India, keen on sourcing more components। जो नोकिया फ़ोन मेकर है वो मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने वाले हैं, और इसके लिए जो भी उनके कंपोनेंट्स होते हैं, बिकॉज उनके जो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, तो उसके लिए वो कंपोनेंट भी सोर्स कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।